रावलपिंडी में करतारपुरा का नाश्ता बहुत मशहूर है। हमारे फार्मा के दोस्त ने हमें नाश्ते पे बुलाया, तो हम इसका फ़ायदा उठाते हुए हम करतारपुरा की तरफ जा रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। इसके लिए हमने जीटी रोड और फिर मरी रोड का इंतखाब किया है। अभी हम जीटी रोड पे हैं और फिर जहाँ मरी रोड का जो गिरजा चौक है वहाँ से हम दाएं तरफ हो जाएंगे। ये करतारपुरा की तरफ जा रहे हैं। जुमे का दिन है इसलिए ये दिन इंतखाब किया है क्योंकि इसमें रश नहीं है। थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन भी बताइए इम्तियाज भाई, ये कौन सी गली से निकल रहे हैं? सर ये करतारपुरा का स्टार्ट है और ये हम करतारपुरा पे इस साइड सेंटर होंगे जिसका यूजुअली लोगों को क्लोज एंड नजर आता है और इधर से हम एंटर होंगे और टुवर्ड्स बन्नी जो कि माई की बनी थी किसी जमाने में, जिसको हम लोग तो उसको बनी कहते हैं लेकिन बेसिकली वो एक सिख खातून थी जिसकी बन थी जहाँ पे लोग आकर मुसाफिर नहाते थे, माई की बनी उसको कहते थे। ऑब्सोलीट हो गई है पार्टीशन के बाद, तो उसके पास आकर हम इसको एग्जिट होगा हमारा टुवर्ड्स बनी। बहुत शुक्रिया। ये सब करतारपुरा है जी सर? ये करतारपुरा स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया यानी यहाँ से शुरू हो गया जी। ये करतारपुरा है, जबरदस्त। तो ये रात भी खुला रहता है, दिन भी चलता रहता है जी सर, 24 आवर्स जो है यहाँ पे लगते हैं। जरोके जी सर, ये किसी जमाने में होते थे जरोके, उस वक्त के हैं जब यहाँ सिख रहते थे जी सर, सिख रहते। बड़े जबरदस्त। ये करतारपुरा कब से है, इसकी क्या हिस्ट्री थी? ये पार्टीशन से पहले खाने पीने का और कारोबार का बिजनेस अब था। अच्छा, तो ये काला खान नहारी बड़ी मशहूर है। उल्टे हाथ पे काला खान नहारी ओरिजिनल है, जो इसके परदादे ने बनाई थी, फिर दादे ने बनाई वो है उल्टे हाथ पे, जिसकी निशानी ये है कि इनका इनके तंदूर के अंदर ही इनकी वो जो है देग नस्ब है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपको नजर आएगी सर, ये काला खान नहारी है, ये वाली। और उल्टे हाथ पे ये हाफिज के चने हैं जी। अच्छा हाँ, ये भी एक ट्रेडिशन है, वेरी ट्रेडिशनल। दाता नहारी, काला नहारी, बहुत ज्यादा खाने की जगह है। गाड़ी पार करने हमने बड़ी मुश्किल से पार्किंग की जगह ढूंढी है, हम पार्क कर रहे हैं। गपशप लगा सकते हैं। अच्छा, मेन्यू देख सकते हैं क्या कुछ अवेलेबल है। आलू वाला नान, आलू चारी, कीमे वाला रोगनी नान, जगन रोगनी नान लिए हैं सर। अच्छा, और इसके अंदर आप यू कैन सी दिस इज द ऑफिस। अच्छा अच्छा, चने वाले हैं तो हमने यहाँ से लेने चने जी सर। चले ये मेरे लिए चने लीजिए ना, ये ऑफिस के ये वाले, ये मैं चने पसंद करूँगा, ये वाले चने। ये आप नहीं, काला खान नहारी है जो कि यहाँ की मशहूर, इसका भी हमने ऑर्डर दिया है और उधर से हमने हाफस के चनों का आर्डर दिया है। अब बैठ कर हम खाएंगे। ठीक है, तो यू कैन कम ऑन दिस प्लेस। तो ये उस वक्त भी खुला होता है 100%, हर तरह का खाना, चने नान सब कुछ। यस, बड़ी बात है कि हम अभी थोड़ी देर बाद आते हैं, आए अभी वापस खाना। ये भी लस्सी की है, हमें लेके तक लेके जा रहे हैं करतारपुरा का। ये क्या है इम्तियाज भाई, ये जो सर ये ऑफिस नान सेंटर है करतारपुरा का सबसे मशहूर, इसका जो बता रहे तंदूर अंदर ही, तंदूर अंदर है सब कुछ है और ये 24 आवर शॉप ओपन होती है, हर किस्म के नान मिलेंगे। ओके, खुशबू भी बहुत जबरदस्त है, मुँह में पानी आ रहा है। ये बहुत ही अच्छी लग रहा था, यानी ये करतारपुरा जैसे पता क्या है, बड़ा हिस्टोरिकल भी है और सिखों के ज़माने से है, जहाँ सराय आती थी और मुसाफिर आते थे वो यहाँ खाना वाना खाते थे। तो ये वंडरफुल प्लेस है और मैं खाना भी खाता हूँ आप आइए। सर न्यारी मुगलों की आज़ाद है, इंडिया में आज़ाद हुई थी, जब ताज महल बन रहा था तो उसके जो कंस्ट्रक्शन थे, मुमार थे, मजदूर थे, मिस्त्री थे, उनके लिए पूरी रात को ये खाना पकता था ताकि वो सुबह ये खाना खा लें और शाम तक लगातार काम कर सकें बगैर किसी भूख के।
तो ये अपनी एपेटाइट को कम कर देती है कि आप इवनिंग तक बगैर कुछ खाए पिए गुजारा कर सकते। सर ये बहुत फनी शॉप है, बहुत से यूट्यूबर ने इसका रिव्यू किया है, अमेरिकन शार्क पॉइंट्स लाना होता है, बहुत से लोग अलग अलग बड़े बड़े टी वी स्टार। अब ये खुद बताएंगे कि न्यारी की सबसे पुरानी दुकान है, कब बनती है, कैसे बनती है? ये दादा का मंदिर है, मेरे चाचा ने सुनाया था मेरे को, रिलेटेड रेसिपीज हैं हमारे पास जो मेरे दादा से आ रहे हैं इंडिया से लेकर, और अभी क्या चल रहा है देखिए, इसका फोकस करें कितना अच्छा खुशबू से भरा हुआ तो फ्रेश। कब तक खत्म हो जाती है आपकी बड़ी ये फिनिश है? बाकी ऑर्डर की बात है, बहुत मज़ा आया खाया। और बहुत अच्छा खाना है, हर तरह का खाना 24 आवर में अगर कहीं मिलता है तो एशिया में मेरा ख्याल है ये 22 होता है। नेक्स्ट टाइम जरूर आए। ये एशिया का सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट है, चाय में बाटा खाली डालकर बीमार हो जाए तब भी बहुत अलग है, नाश्ते में भी खाते हैं, दोपहर के वक्त भी खाते हैं, रात के वक्त भी खाई जा सकती है, पर जो भी आप लिए उसके बाद खाते हैं हम इसको लेकर भी जा रहे हैं और खाएंगे। ये बाकर खाने का प्रोसीजर बन रहा है, फेवरेट लस्सी है, इस गिलास में ये लेंगे, ये खालिश दहिए खाएगा और जो जान की लस्सी पीने का जो खाएगा वो मज़ा आएगा। तोहफा भी दिया है यहाँ की सौगात, क्योंकि आपने इसे काफ़ी टाइम गुजारा है करतारपुरा में, बहुत मेहरबानी करतारपुरा, थैंक यू वेरी मच, फुल वेलकम अगेन, डेफिनेट खलूस महब्बत का तोहफे के साथ।